हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओपन सोर्स वीडियो एडिटर 3.1 कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर, वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टैप कर देना है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स टैप करते हैं, इस तरह से आप इंटर कीजिएगा। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है ओपन सोर्स वीडियो एडिटर, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ओपन सोर्स का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे तो होम पेज पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा डाउनलोड वर्जन 3.1, यही आज के डेट में लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है आप जिस डेट में इसको डाउनलोड करने की कोशिश करें उस डेट में यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आ गया हो, इसके ऊपर वाला वर्जन आ गया हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ सेम तरीके से आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे भी डाउनलोड का टैब दिख जाएगा, या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो वर्जन दिख जाएगा, एक 64 बिट के लिए। यदि 64 बिट का एक से डाउनलोड करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं, 32 बिट का एक से डाउनलोड करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप चेक कर लीजिएगा आप अपने केस में जिस भी पीसी या लैपटॉप के अंदर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके अंदर कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपको चेक कर लेना है। यदि चेक करना नहीं आता है तो चलिए मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर आना है। यहाँ आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा दिस पीसी या माय कंप्यूटर, उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा सिस्टम टैब के आगे क्या लिखा हुआ है। यदि आपके केस में यहाँ पे 32 बिट लिखा होगा तो आपको क्या करना है, 32 बिट का ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। जैसे मैं 64 बिट का दिखाऊंगा उसी तरह आपको करना है, यानी 32 बिट और 64 बिट दोनों का प्रोसेस सेम है, केवल EXE अलग अलग डाउनलोड करना है। यदि आपके केस में यहाँ पे 64 बिट लिखा होगा तो आपको क्या करना है, 64 बिट का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। वैसे आप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 बिट या 64 बिट दोनों में से कोई सा भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम में 64 बिट का ही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहिए। इसलिए मैं अपने केस में यहाँ पे 64 बिट का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। सेम तरीके से आप 32 बिट का भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद दोबारा आपको वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यदि आपके केस में 32 बिट होगा तो यहाँ पे आपको 32 बिट के ऊपर आपको क्लिक करके EXE डाउनलोड कर लेना है। यदि 64 बिट है तो आपको क्या करना है, 64 बिट के लिए यहाँ पे क्लिक करके आपको EXE डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से आपके केस में भी ऑटोमेटिक EXE डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होते हैं तो आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं वो पाथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से EXE डाउनलोड हो जाएगा। EXE डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने EXE को सेव किया है, वहाँ पे आपको इस तरह से EXE दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस EXE के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी यहाँ पर अनब्लॉक दिखते हैं तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पर अनब्लॉक नहीं दिखते हो तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी तो रन एंड इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तीनों चीज में से कोई एक चीज आप करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, रन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ही क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना है। इसलिए मैं अपने केस में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यदि आपको डेस्कटॉप के ऊपर आपको सर्च पर आइकन चाहिए तो इसको आप टिक मार्क कर दीजिएगा। यदि डेस्कटॉप के ऊपर सर्च पर आइकन नहीं चाहिए तो इसको आप टिक भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल दिख जाएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा।
इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, या तो आप इसको टिक मार्क रखना चाहते हो तो आप रख भी सकते हैं, या नहीं तो इसको अनटिक करना है तो इसको आप अनटिक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यदि आप इस एप को कहीं और सेव करके रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं, या नहीं तो इसको यहाँ से डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे तो इंस्टॉल किया प्रॉपर काम करता है या नहीं करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करके चेक कर लेना है। ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यदि आपके केस में तो एक ऊपर सर्कल आइकन दिखता है तो यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, यानी कि आप सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे आप सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी क्लिक करके इसको आपको ओपन कर लेना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं विदाउट कोई एरर ये ओपन हो चुका है। अब यदि आप इसका वर्जन चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसका वर्जन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर। इसके नीचे यहाँ पे आपको वर्जन भी लिखा हुआ दिख जाएगा, यानी तो आपके किसमें इससे ऊपर वाला वर्जन आया होगा जो आपने इंस्टॉल किया होगा वो वाला वर्जन दिख जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।